शुक्र है बच्चे हूँ काफी बेहतर हूँ दुनिया पे पढ़ाई चो चलो मेहनत ही जाहिर है कराने काम आपू कराया कर मारे मथे ना लाया कर लकड़ियां टुको तो लकड़ियां बाजारों की नहीं छो तो मारी को जत है ये कोई चार बंदे जान ले वाह जी वाह मिठू साहब और काम कोई और था ने इस तो अलावा मसलन जनाब किरा काम नहीं और सुन क्या काम आ ए जरा जे काम आ जो की तकलीफ होएगी कराना काम मैं करनी है कमाई के मैं आनी है सौदा पारू मैं आनी है खाली अपनी नौकरी ना जिक्र करने बड़ी अफसोस नी गल है नहीं जे कमाणी आ ते लाई छोड़ दे से केड़ी मसला आ इतू से क्या साड़ पेगी ओए मैं नौकरी लभने नी कोशिश करना नी नौकरी लभनी ते क्या करा नहीं ते लाजमी तू मारी बीवी है कोई बात मारी गोडी प्रोसन ते नहीं ना तू नहीं ते लाजमी सरकारी नौकरी लोड़नी मैं मावे को सगी भेजिया उसने उन्होंने पेट्रोल पंप पे था तू सब मुड़ी के आ रहे हो मारे मियार ना कम नहीं फिर मुड़ी के मैं अपने कजन ने गल की थी स्टोर है पर उते मारे मियार ना कम नहीं अल्लाह ने बंदियो जब तक सरकारी नौकरी लगनी तब तक कोई ना कोई काम तो करो ना तू सा अच्छा मैं उन पेट्रोल पंप पर काम कर सो हेलो मैं स्टोर पर काम कर सा तुम्हारे रिश्तेदार ने थले लगी के मैं काम कर सा तू मेरी जाननी नहीं है आफ्टर ऑल आई एम फुल मर्द वाह जी वाह फुल मर्द ए जड़ी विच मैं कटी ना मैं ए मैं की खत्म करो समझे हो ना बार कछु से पता लगा कितनी महंगाई है 6 महीने हो गए से घर बैठे हो तकनी क्या है देव 150 रुपया मैं बाल मेरे कन्ना पर खड़े हुए नहीं कटाने ने नहीं जरा कल 150 खड़े हो वो शेप शुप कराई सी ना नाटा तो था फ्रेश हो यहाँ 150 रुपया बड़ा 150,000 रुपया हो गया नहीं तब मामा पर लाजमी सा ना रहा कार में चीज ऐसे कराई तो पानी मुकी गया था ओए मारी को ऊपर स्लट दी है मी की चार बंदे जाने ने मैं जड़ा है ना मदे विच बड़ी सोबर शख्सियत गिनया जाना हाय समझे ना ते मारे ने सरा करया कर तू चाट माता क्या पड़ी गई है माड़ी जनानी हुई क्या तू ये की हरकत कर से माड़ी जड़ी गैरत ना मरी गया सी मैं जिने जिने मरी ना कैसा तू लोगा के हाथ फैलाए अच्छा जे हुन गैरत आ गई ठीक है जुल कम लोड़ा छ चल खबरदार जे इस तरह की कोई गल की थी जुलो नौकरी लोड़ो फिर इतने सब फुल मर दियो ते ठीक है हां अगर तू माड़ी तंग पैनी है ना फिर मैं जुड़े ही बार नौकरी लोड़ी क्या सही मैं मुड़सा हो दूं जिसने नौकरी लब सी फिर तू माड़े को मंग से खर्चा ते दियो जे नौकरी ना लगी ना तो वापस मुड़ी के ना अच्छा मैं दसी जानी पहला हूं प्यार ने गल करनी राह सी कोई नहीं प्यार आज मैं नौकरी लोड़ी के जासा आज मैं नौकरी लोड़ी के जासा तौबा या अल्लाह इस जने की हिदायत दियो तो या अल्लाह मरे जने की मदद करो ओ किचू नहीं है जी
मिठू है। मिठू मिठू को क्या बात है, आज बड़ा आंधी तूफान चैकड़ की तरह उड़ता हुआ जा रहा है, क्या चैकड़ है? बस कुलसर साहब कुछ ना पूछो जी, बस छोड़ो जी। अबे नहीं बता तो सही ना यारा, क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में निकला हुआ है, क्या चैकड़ है? कुलसर साहब क्या हुआ है, तुम्हारा तो रोना निकल गया है। निकल गया जी, मैं रो रहा जी, निकल किधर गया जी, क्या कर जा रहे हो? क्या रो रहे हो? छोड़ो जी, बैचा बताओ ना, बैचे देख, मैं इलाके का काउंसलर हूँ, मैं लोगों के मैसाइल हल करता हूँ, तुम्हारा भी मैसला हल करूंगा, बताओ तो सही। काउंसलर साहब पानी सिरा पर लगी गया जी, वो कल खत्म होगी, वो फिर तख्त है या तख्त है, मत तुझे रहने दियो जी। नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, देखो इस तरह की हरकत नहीं करनी है, कोई किसी के साथ नेता नहीं लगाना है। बच्चे चैकुर क्या है, मैसला क्या है, मैं तुम्हारा मैसला हल कर दूंगा ना। तो सर क्या मसला कर सो जी, मतलब है कि गल इस किस्म नहीं है, मैं तुझे क्या दसा जी हूँ। क्या हुआ क्या है, वो घर का घरेलू मैसला है? हाँ जी, घर नहीं मसला है जी, बस घरों में मैसले बनते रहते हैं ना, क्या हुआ है? जनानी माड़ी नहीं, बस आज अंत करी सटी है जी, बस आज जनानी ने फाइनल चाय दीता, उसे क्या गो बार कम कर, कम कर से कार ऐसे नीते मुड़ी गया ना। अच्छा अबे तो बात वो सही कह रही है ना, वो कह रही है कि काम करो, कोई पैसे कमा के लाओ, घर के निजाम चलाओ, खर्चे चलाओ, 6 महीने से तुम मस्त फिर रहे हो यार। वाह वाह क्या बात है, कौशल साहब तो सुनते माड़ी जनानी ने गल पे कर रही हो जी। हाँ जनानी भी यही गल करनी, तुम यही गल पे कर रहे हो। ये देखो जरा तुम गौर करो ना, 6 महीने से बेरोजगार हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारे जनानी अगर सरकारी स्कूल में टीचर ना होती, तुम्हारे घर का निजाम किस तरह चलता हुआ, तो लोग तुम्हें बेइज्जत ना करते फिर। तो कौन सा अभी सुना, मतलब तो नहीं है ना जी, मैं उसने खामद ना रहा, खामद ना कोई मुकाम है, मैं एक बाशऊर आदमी हूं, मैं एक अकलमंद आदमी हूं, मुझे बड़ी इज्जत है, जनानी मेरी बिल्कुल बच्चे। ये दुनिया का असूल है कि जो शोहर होता है ना, वो घर के सारी जिम्मेदारियाँ, जनानी की सारी जिम्मेदारियाँ उठाता है, जब तक तुम वो जिम्मेदारियाँ नहीं उठाओगे, तुम्हारा ये कुतखाना चलता रहेगा। जिम्मेदारियाँ चाहिए ना जी, और के करने सारे काम करना वा, लकड़ा टुकना वा, और करने देखभाल करना, और किसी जिम्मेदारी का नौकरी नहीं लगनी, तो मैं कौन टक्कर मारा जी। अरे मुझे ना टक्कर मारना बैकरोटे की नस्ल गोलियां खां तू दस क्या परेशान जी भी लगनी है, क्या होया जी? बस अम्मा सगी कह दसा, 6 महीने हो गए मिठू घर बिल्कुल वेला बैठा, वेला बैठा है, क्या होया? काम लोड़ना उसी ना मिली गया सी ना, तक जदू थोड़ा ब्याह होया सा, जदू रिश्ता किन्ने थी उसने से पूरे 2 साल टुरने रे, चंगी पहली नौकरी करना सा, नाले जिस होनी कंपनी चो मुलाजम सा, वो जदू ने हुण कंपनी बंद हुई है, उसने नाल कितने लोग बेरोजगार हुए। अम्मी जी एक कंपनी बंद हुई ना, दुनिया सारे विच काम खत्म हो गया, आखिर मैं भी इंसान ही हां, तुसा की पता भी आ कि माड़े एक बंदे नाल गुजारा नहीं चलना, मैं कितों पूरे करा, एक पासे देने या दूए पासे जाने होने को नहीं, पैसे देने वास्ते पहले इश नहीं, उस पहले पैसे खत्म। ना परेशान हो, वो चंगा जातक है, वो नौकरी कर सी, उसकी जिम्मेदारी ने एहसास दिया, पता नहीं ऐसी गल कोई नहीं, लापरवाह कोई नहीं हो, नाले पता है क्या तक कुड़िया की धीया की इससे आस्ता पुराने लिखाने ना माँ प्यो के कल ओख सोख वेले गड्डी ने 2 पहिए होने ना मियां बीवी ओख सोख वेले कम असनिया टबरिया ताँ कहया हूं तक ना तू गवर्नमेंट ने नौकरी करनी है ना कि चंगी भली। अम्मी जी तुसाने गल्ला ठीक ही हैं, लेकिन उसकी 6 महीने कोई महीना 2 महीने नहीं, 6 महीने हो गए उसकी घर बैठे हो, उसकी जरा एहसास नहीं, शेव कराना तो मालकुल पैसे मंगना, बाल कटाना मालकुल पैसे मंगना, कदे इस दर्दे कदे उधर दे, उसकी जरा एहसास नहीं, बस मैंने उसे दिले एहसास आ जुले आ रही सी एहसास भी आ रहा सी, ते गल सुन माड़ी, उसकी पता भी लग गया सी भी घर में पैसे देने, में नौकरी करनी, चंगा जातक है, तक उसे कोई हेरा फेरी नहीं, कोई गलत गल नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई संगत नहीं, यार सारी घर ही होना ना, लोड़ सी नौकरी, ठीक है बड़ा पुत्र, दिल निकल नहीं करनी होनी, चलिए जी। अल्लाह करे उसके एहसास आ जुले, ए जुबैदा आंटी की चाहिए कमेटी ने पैसे। आई कमेटी कोई नहीं दी, तीचर
क्या करा, इतनी मुश्किल ने भी कठी की थी, दार के नीचे आई है सारी को रोटी ना छोड़ो खैर तुसा बस अपना ख्याल रखो मैं हूं कोई नहीं सुन सिरे पर माड़े म्यार ने कोई काम लभे ना तो मैं करा ना, आखिर माड़ी को पर्सनलिटी है, मैं बड़ा ठीक ठाक आदमी हाँ, मैं ये जे काम ना करी सकना, ये छोटे मोटे काम पकौड़े बेचने छलिया बेचने। अब मुझे ऐसी बात समझ आई है, ये जो तंत्र तुम बीच में रखा हुआ है ना तुमने मैं वाला के मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, मेरे मैयार के मुताबिक काम मिलेगा तो कहूंगा, बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, जब बुरा वक्त आया हुआ हो ना इंसान के ऊपर तो हाथ पैर मार के उस बुरे वक्त को टैप आने की कोशिश करते हैं। लो जी तुसा सारी जिंदगी अपनी जनानी थले लगे रहे हो, मैं सीधा कर रहे हो, मैं काम ना करी सका, मैं माड़ी को चार बंदे करने मैं तुझे समझा रहा हूँ, देख ये दिमाग खोल के कान खोल के बात मेरी समझ, के अभी तो तेरी जहनानी ये तेरे बातें करती है ना, अगर नौबत यही रही ना तो सारा माशरा तुझे ये बातें करेगा, थू थू करेगा, लौंदे भेजेगा तेरे पे। हाँ इसीलिए कहता हूँ काम धंधा ढूंढ ताकि तेरा निजाम ठीक हो पागल के बच्चे। काउंसलर साहब कब शापी बड़ी सोनी गल करी गए ने, एक जिसने गलीरू ना बटा लगना इस तरह गल लगी मरे दिमाग है, कम तंदा ढूंढ ठीक है जी, किस करने है कम तंदे नवी हाँ माड़ी बड़ी फकीरी है। जरा एहसास नहीं माड़ा, मैं कितने सोहनिया पालशां लाइया होनिया सारी दिहाड़ी खज्जल होई उन्हें कोई गल नहीं बनी, कोई पता नहीं अज जनानी भी घर बढ़न देसी या न बढ़न देसी, अज लगना लम्मा ही रोला है। चलो कोई ऐसी गल नहीं, असा भी तो सदन एक संघिया मिकी आखिया सी तुहाड़े आस्ते कम लोड़िया, उसने पता करना उसने कम होया उसी, वाकई वेरी गुड आइडिया। वाले साम शीदे की हाली ठीक है? ओ यार अमी फोन कीता तुकी, अमी उजाद आ गई, तू यार इधर अमी की आखिया सी के ओ तुहाड़े आस्ते मैं कम लोड़िया है, ते उसने है कोई काटा पता है मुलाजमत छत पर है किथे? आरे मशीन ते ओए यारा इंसान ना पुत्र बाड़ो है, मैं आरे मशीन पर काम कर सा होए, निकी जाना नहीं तू, मैं कौन हूं?
लेकिन मैं को ना मैं जानना नहीं तू मैं उनारे मशीन पर काम करना चंगा लग सा मैं ओह नो अननी तनखा छ रहे 10-15,000 तनखा एक एक कोई तनखा है मैं कर तनखा के नहीं दे 1.5 लाख रुपया तनखा के सा मैं को मजबूरी बनना हां नहीं 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 ठीक अरे नहीं यार मशीन तो मैं नहीं करना है ना अल्लाह हाफिज तेरी बंद करी है अच्छा आड़े मशीन पर काम कर सा चंगी भरी पर्सनैलिटी ने मालिक हाँ मैं पूरे ग्राइना नहीं अपने घर तो मालिक कि है ना चलो कोई नहीं ट्राई मारने घर जुलने तकड़े क्या होना क्या नहीं होना मैं ही होसा ना और कुना मैं जाननी ने नौकरी लभी है कोई नहीं नौकरी तो कोई नहीं लभी मैं घर भी ना छा जी नहीं मैं तुकी क्या आखे सा जे तुकी नौकरी लभी तो मैं दरवाजा ना खोलनी दरवाजा तुकी अरे खोलनी ना बिल्कुल भी ना खोलनी तुम्हारा प्यो भी दरवाजा खोलसी खोल दरवाजा बुलाई है हमारे पे की बुलाई है लेकिन चंगी तरह जाननी है ना ना खोलनी दरवाजा पिछले हफ्ते नहीं मार पुरी गई जब तड़ा चूड़ा पटिया सी ना खोलनी ना खोलनी दरवाजा जो मर्जी कर ना खोलनी दरवाजा ओए बार सारा मल्ला कठा है लोग तमाशा में तखड़े ने दरवाजा खोल मल्ला कह पूरी दुनिया कठी हो जिन्हें ना खोलनी दरवाजा आख्या मैं तोड़ा प्यो दरवाजा पर नहीं सकी खोल तू मुझे हुआ है क्या परेशानी है वैसे मारे मुंह को बड़ा जा निकलने लगा सी क्या हुआ है सारे जान नहीं अबे बस अंदर ही राख जो कुछ है जो गन बुलाया अंदर ही राख नहीं हुआ क्या चेक दरवाजा नहीं खोलती पीछे दरवाजा नहीं खोल रही है कौन जानी वाली और कौन अबे अच्छा तेरी जैनत वो ही कुछ कौन वो ही तो सच में दसिया भी सी फिर भी गुस्सा कर ना रहना रोना भी आ रहा है अगर इस तरह के हालात बन जाए ना तो फिर डिप्लोमेसी से काम लेते हैं डिप्लोमेसी के मतलब ये कि जरा ठंडे हो जाते हैं नरम हो जाते हैं नीवे हो जाते हैं अब जनानी ने कम में निवा झड़े ने कम निवा तो अंदर ने मारी जनानी और नहीं है मैं सफेद पोश आदमी हूं मारी बड़ी गल है अबे कहती क्या तुझे कोई नकमा कहती है क्या कहती है वो नकटू कहती है क्या कहती है जो कि सारा तुझा के रही एक जागनी तो सब मर हेलो सुना दी बैठे देने है ना कम में भी लिखा तो चमका अबे मैं पैराना आदमी हूं मुझे पता है जनानियों के मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं वो इसी तरह कहती है ना यार गुस्से होती हैं तो चलो कोई नहीं उसको समझाते हैं मैं उसको बताता हूँ कि यार असल मसला क्या है प्रॉब्लम क्या है अंदर चलो ठंडे ठंडे होके तुम्हें बात समझ अरे कौन सा तुमने कि जिले में मौका मिले ना इसकी मैं सारसा नहीं आ अबे नहीं मैं सारसा इसकी तेरे पास अबे नहीं इस तरह की बातें नहीं करते आगे तेरे पास नौकरी काम धंधा कोई नहीं है इस तरह की बातें करेगा तो वो चमक जाएगी फिर और रोला पहनेगा फिर क्या फायदा इस बात का है चलो मैं उसको तरला मेहनत करता हूँ अरे बच्चे मैं हूँ क्या रोला यार अबे मैं वो एक काउंसलर वो एक काउंसलर तुम्हारा नहीं है अरे ला उनके दरवाजा खुलने करती है मरे अबे ना दोस्त भी आ हाँ राजा बैशीर वो देखे कैसी मिठी हुई हो कैसी उल्लू निकल रहे हैं यार जी जी क्या करो मैं तुम्हें बहुत समझाता हूँ चक्कर क्या लड़ाई तुम्हारी क्या है बच्चे खोलो खोलो दरवाजा कोई ऐसी बात नहीं आपस में बच्चे लड़ाई नहीं करते झगड़ा नहीं करते अंदर तो आओ मैसला खराब करेगा बात सुनो क्या चक्कर है क्यों झगड़ा लड़ाई करते हो इसके साथ मेसरी बनी मेसरी बनी क्या चक्कर है क्यों साहब इस महल ने काउंसलर हो तुसा की नहीं पता क्या मसला तू अपने मुंह दस रहे मरी बेइज्जती है
माड़ी चार महीने की इज्जत है, मैं किया मशवरा तोड़ी मुंह अपने नाथ दा। ये काम नहीं करता है इसलिए तुम्हारे घर में ये झगड़ा पड़ा हुआ है। मैं इसके काम दबाने की कोशिश भी की थी, मामू है माड़े उन्होंने पेट्रोल पंप कैशियर ना काम सा, उस बाद मैं स्टोर है पर दबाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या क्या माड़े मियार ना काम नहीं, हूँ मैं क्या करा। यानी इसको काम मिलता है लेकिन ये कहता है कि मेरे मैयार को ना आपको जनरल साहब मैं मोए ना सिर कम करा दिया ये हो ए आखरी मारे रिश्तेदार ने थला ना ओमिका को ओए उधर जा ओए इधर कर ओए छुट्टी कर ए निकल नहीं सकना माड़ी को इज्जत है मिकी चार बंदे जान ले माड़ी को फकीरी है मैं इस रास्ते ने काम करी करा तुम्हारा मसला मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे अंदर ये जो मैं ना ये तुम्हें कोई काम नहीं करने देती है, ये अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर से मैं निकालो, मैं वाला जो होता है वो असल में बेहतरी होता है। मैं ये जो अंदर अना वाली मैं होती है ना ये निकालो। ग्रैंड चार बंदे में झगड़ा हुए मैं सुना कराना किसान थाने जाना मैं थाने कचना वाला ये अगली मैं इसे अड़ियम करवाए थे। नहीं वो ये नहीं कह रही है, वो कह रही है कि काम करो, देखो ये पेट्रोल पंप वाला काम मेडिकल वाला काम जो है कोई छोटा काम नहीं, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं बड़ा नहीं होता है। बुरा वक्त तो होना तो इंसान को वो टैपाने के लिए कोई ना कोई हाथ पांव मारने पड़ते हैं ना यार। हाँ इस तरह से इसी तरह तुम लोगों के घर खराब हो जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं करो बच्चे, काम ढूंढो काम शाम करो, और लड़ाई झगड़ा जो है ना वो घर से बरकत उठ जाती है। अच्छा हाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कर, अब सुलह करो इसके साथ ठीक है, ऐसे बच्चों की तरह क्या बात हाथ में लाओ क्या बात। मैं वादा करना आज के बाद मैं कोई मैं मुंह ना करने लगा, मैं तो अपना झगड़ा भी ना करने लगा। बस तुम अगर मेहनत मजदूरी करोगे और ईमानदारी से काम करोगे ना, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। सरची मुची।